हेलो ट्रेनर्स, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ पोकेमॉन यूनाइट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दो न्यू अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। इनमें से एक अपडेट ऑलरेडी आ चुका है एंड एक जो अपडेट है वो आने वाला है। तो सबसे पहले उस अपडेट के बारे में बात करते हैं जो अपडेट आ चुका है। ओके, सो पोकेमॉन यूनाइट के अंदर बेसिकली होलोवेयर टेस्ट करने का अपडेट आ चुका है। मैंने काफी पहले आप लोग को बताया था कि होलोवेयर टेस्ट करने का एक अपडेट आने वाला है जो कि फाइनली आ चुका है। अब आप लोग किसी भी पोकेमॉन के जो न्यू होलोवेयर आते हैं उनको आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग इस फीचर को शॉप में जाके भी एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूँ। एंड आप लोग चाहे तो आप लोग प्रैक्टिस वाले सेक्शन से भी इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। सो न्यू पोकेमॉन की स्किन को टेस्ट करने के लिए काफी बढ़िया फीचर है। आप लोगों ने अभी तक इस फीचर को यूज करे हो या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम लोग बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दूसरा अपडेट बेसिकली गिफ्ट फीचर है। मैंने आप लोग को बहुत समय पहले एक वीडियो बना के बोला था कि पोकेमॉन यूनाइट के अंदर एक गिफ्ट फीचर आने वाला है एंड उस गिफ्ट फीचर से बेसिकली आप लोग अपने फ्रेंड को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स आप लोग चाहे तो अपने फ्रेंड को किसी भी पोकेमॉन का यूनाइट लाइसेंस गिफ्ट कर सकते हैं, किसी पोकेमॉन की स्किन गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई होलोवेयर गिफ्ट कर सकते हैं। इवन आप लोग बैटल पास भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो वो जो गिफ्ट फीचर है वो काफी जल्दी हम लोग को ओरिजिनल वाले पोकेमॉन यूनाइट के अंदर देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जनवरी से ये अपडेट आ जाएगा, मतलब जनवरी 2023 से ये वाला अपडेट आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये वाला जो अपडेट है ये पोकेमॉन यूनाइट के पब्लिक टेस्ट वाले वर्जन में आ चुका है। वहां पे इस वाले न्यू फीचर की टेस्टिंग चल रही है, तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। वेल, ये फीचर काफी ज्यादा अमेजिंग है एंड मैं चाहता हूँ कि ये फीचर हम लोग को जल्दी से जल्दी पोकेमॉन यूनाइट के ओरिजिनल वाले वर्जन में देखने को मिल जाए। बाय द वे, आप लोग को इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।